अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मीवॉम फार्मिंग एशिया। दोस्तों, डिलीवरीज हमने आपको बहुत सारी दिखा दी हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम मीवॉम्स को काउंट करते हैं। काउंटिंग ऐसे तो हम करने जाएंगे तो दिन से रात लग जाएंगे, क्योंकि डिलीवरीज होती है 20,000, 30,000, 50,000, समटाइम्स इतना। तो हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि क्या प्रोसीजर होता है, कि किस तरीके से हमारी काउंटिंग्स होती हैं। आई मैं आपको दिखाता हूँ। मीनवाइल प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। ओके गाइज, ये जैसे हमारी आज की डिलीवरी है 15,000 मीलवॉर्म्स की, तो हम बेसिकली इसके अंदर जो है वो 5,000 के तीन बॉक्सेस बनाएंगे। ये हमारा बॉक्स है जिसके अंदर हम 5,000 डालेंगे, ठीक है। अब ये 5,000 किस तरीके से हम काउंट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम वेइंग मशीन ऑन करेंगे और हमारे कंटेनर का वेट लेंगे। कंटेनर का वेट है हमारा 10 ग्राम्स, हम इसको टेयर कर देंगे। अब बेसिकली हम जितने भी मीलवॉर्म्स इसके अंदर डालेंगे वो बेसिकली मीलवॉर्म्स का वेट होगा। ये हो गए हमारे, लेट्स सपोज हम इसको 10 ग्राम्स कर देते हैं। ये हो गए 10 ग्राम्स। अब ये 10 ग्राम्स बेसिकली क्या हो गया, हमारा मीलवॉर्म्स का वेट हो गया। तो अब काउंट कैसे पता चलेगा, हमें काउंट इस तरीके से पता चलेगा कि ये जो 10 ग्राम्स है हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ काउंट से, कि ये कितने हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 110 से 115 के बीच में होते हैं, तो हम इसको 110 अभी कंसिडर करते हैं। जब हम 110 को डिवाइड बाई ग्राम्स करेंगे, 10 ग्राम्स जो बेसिकली हमारे मीलवॉर्म्स का वेट है, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 11 का। That means हमारा 1 ग्राम equals to 11 counts. तो 11 mealworms equals to 1 ग्राम हो गया। तो हमारे हो गए ये 11 counts 1 ग्राम के। तो अब हमें पता करना है कि 5,000 counts कितने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5,000 को divide कर देंगे हमारे number of counts से, कि कितने हमारे mealworms हैं। जब हमारे total, हमें total चाहिए 5,000 divide करेंगे 11 से, तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कितने ग्राम्स बनते हैं, जो कि अराउंड 555 या कुछ इस तरीके से बनेंगे। वो आपको उस पर डिस्प्ले स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम इसके 555 ग्राम्स हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वेइंग मशीन बंद करेंगे, इसको वापस से ओपन करेंगे और हमारी इस कंटेनर का वेट लेंगे। इस कंटेनर का वेट है 39 ग्राम्स। अब हम इसको टियर कर देंगे। अच्छा, अब हमें चाहिए 455 ग्राम्स। तो ये हो जाएंगे हमारे 455 ग्राम्स। ये बेसिकली हमारे हो गए 5,000 मीलवॉर्म्स। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ मीलवॉर्म्स जस्ट इन केस एक्स्ट्रा इसमें डाल देते हैं, ताकि हमारे जो कस्टमर है उनको एटलीस्ट कम ना जाए, ज्यादा चले जाए दैट इज ओके, लेकिन कम ना जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो हमसे जो है वो ज्यादा ले जाए, लेकिन कम ना पड़े उनको। सो दिस इज इट गाइज, इस तरीके से हम नंबर ऑफ काउंट्स लेते हैं। जो काम पूरा दिन में लग जाए उसको हम जो है हार्डली 15 मिनट्स के अंदर इसको इस प्रोसीजर के थ्रू कवर करते हैं। एनीथिंग एल्स इफ यू नीड टू नो लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू फॉलो आवर ऑन आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। विद लॉट्स ऑफ लव टू माय फीड रिच फैमिली, थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।